सीतापुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े हो रहा अवैध मिट्टी का खनन, प्रशासन मना मूक दर्शक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अवैध खनन को लेकर काफी सख्त हैं, वहीं सीतापुर में खनन माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। सीतापुर के तहसील बिसवा में अवैध मिट्टी का खनन जोरों पर चल रहा है, वहीं प्रशासनिक अमला हो रहे अवैध खनन को लेकर शांत बैठा हुआ है। जिले में कृषि में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की खुदाई का काम बेधड़क चल रहा है। खनन विभाग के अधिकारियों के तालमेल के चलते इस कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। किसानों के खेतों की मिट्टी की सौदेबाजी कई ईंट भट्टा संचालकों को दी जा रही है। खनन की गई मिट्टी को लादकर ट्रैक्टर टाली इतनी रफ्तार से चलते हैं कि किसी समय भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अवैध खनन की जानकारी स्थानीय लोगों ने खनन अधिकारी को दिया, जिसको लेकर खनन अधिकारी मौके पर पहुंचे। खनन अधिकारी ने कार्रवाई करने के बजाय खनन माफियाओं की जेसीबी मशीन ट्रैक्टर ट्राली को चंद मिनट में ही छोड़ दिया। खनन अधिकारी द्वारा छोड़े गए ट्रैक्टर ट्राली व जेसीबी मशीन को लेकर लोगों में काफी चर्चा हो रही। आखिर किसके दबाव में खनन अधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, ट्रैक्टर ट्राली को छोड़ दिया गया? जब अधिकारी खनन माफियाओं पर दबाव नहीं बना पा रहे, इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन सीतापुर में नहीं हो पा रहा। खुलेआम खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है।